आजकल आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर दुबई से इंडिया कारनेट के थ्रू गाड़ी इंपोर्ट करके ले जाते हैं। आखिर इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। दुबई से इंडिया कारनेट के थ्रू 6 मंथ के लिए ले जा सकते हैं, 6 मंथ के बाद दुबई में वापस लाना होता है। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको दुबई आना है विजिट वीजा लेकर। दुबई में आके आपको कुछ रिसर्च करना है, मार्केट रिसर्च करना है। सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपको गाड़ी कौन सी लेनी है। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपको डॉज चैलेंजर लेना है तो डॉज चैलेंजर के ऊपर ही इस वीडियो को बनाता हूं मैं। देखिए दुबई में अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में सस्ती गाड़ी मिल जाती है, इसलिए यहाँ से लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करके ले जाते हैं। तो आपको सर्वे करना है दुबई में आकर। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शारजा की मार्केट में जा सकते हैं, शारजा की ऑटोमोबाइल मार्केट दुबई से थोड़ा सा चीप रहती है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको दुबई से इंडिया गाड़ी ले जाने के लिए कारनेट की जरूरत पड़ेगी। कारनेट बनवाने के लिए आपको एमिरेट्स आईडी की जरूरत पड़ेगी। एमिरेट्स आईडी यानी रेजिडेंस वीजा होना चाहिए दुबई का। रेजिडेंस वीजा बनवाने के लिए आप या तो यहाँ पे कहीं जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तब बन सकता है, या फिर फ्रीलांस वीजा का भी ऑप्शन रहता है। फ्रीलांस वीजा 2 ईयर का मिल जाता है, जिसे आजाद वीजा बोला जाता है। ये 7,000 दिरहम से लेकर 8,000 दिरहम तक का बन जाता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको बैंक में अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट ओपन करना क्यों कंपलसरी है वो अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो अब कारनेट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कारनेट एक तरह का गाड़ी का पासपोर्ट होता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री गाड़ी को ले जाने के लिए कारनेट की जरूरत पड़ती है। पूरे वर्ल्ड में 89 कंट्रीज हैं जिसमें कारनेट चलता है, उसमें इंडिया भी शामिल है। तो कारनेट बनवाने के लिए आपको दुबई के ATC ऑफिस में जाना पड़ेगा। ATC बोले तो ऑटोमोबाइल एंड टूरिंग क्लब, ये दुबई के ममजर एरिया में है, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। यहीं से प्रोसेस पूरा स्टार्ट होगा। तो अब बात करते हैं कि दुबई से इंडिया गाड़ी ले जाने में टोटल कॉस्ट कितना आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको डॉज चैलेंजर दुबई से इंडिया लेके जाना है, क्योंकि डॉज चैलेंजर इंडिया में नहीं मिलती है। तो उसमें भी काफी सारे वेरिएंट होते हैं, जैसे कि SXT होता है, RT, SRT। 2020 मॉडल का यहाँ से डॉज चैलेंजर लेके जाना है, 80,000 दिरहम का आपको मिल जाएगा यूज्ड कार्स में। गाड़ी लेने के बाद में दुबई में आपको रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, उसमें भी आपका लगभग 3,000 दिरहम का खर्चा आ जाएगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको मुल्किया मिल जाएगा, मुल्किया बोले तो कार रजिस्ट्रेशन कार्ड। उसके बाद में आपको ATC ऑफिस जाना है, एमिरेट्स आईडी, गाड़ी का मुल्किया लेके एंड इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है। उसके बाद में वो आपको खुद ही गाइड कर देंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ATC ऑफिस में गाड़ी की वैल्यू के अकॉर्डिंग कैश डिपॉजिट करना पड़ता है, यही सबसे बड़ा खर्चा होता है। आपने डॉज चैलेंजर लिए 2020 मॉडल, तो आपको 30,000 दिरहम कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा। और जो स्टेशन वैगन होती हैं, जैसे कि निसान पेट्रोल, लैंड क्रूजर, रेंज रोवर, उनका 45,000 दिरहम कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा। और जो लग्जरी कार होती हैं, जैसे लैम्बो, मैकलेरन, बुगाटी, उनके लिए 70,000 दिरहम का कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर 2021 से ऊपर की गाड़ी है फिर 100,000 दिरहम तक का ये कैश डिपॉजिट करना पड़ जाता है। ATC ऑफिस का सर्विस चार्ज भी होता है, जो 1,300 दिरहम से लेकर 1,400 दिरहम तक का होता है। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको RTA से डॉक्यूमेंट मिलेगा, जिसकी कॉस्ट 170 दिरहम होगी। 1,00,000 दिरहम का एक सिक्योरिटी चेक भी आपको ATC ऑफिस में देना होगा, ये कंपलसरी है। चाहे आप कोई सी भी गाड़ी लेके जाते हो, ये तो कंपलसरी है, आपको सिक्योरिटी चेक देना पड़ेगा। इसीलिए आपको बैंक की जरूरत पड़ेगी, मैंने बताया था ना आपको, बैंक अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद में चेकबुक लेना है और फिर आपको सिक्योरिटी चेक देना है। ये सिक्योरिटी चेक वो आपको रिटर्न कर देते हैं, वो केवल एज ए सिक्योरिटी होता है, और जो आपने जो कैश डिपॉजिट किया है वो भी आपको रिफंड कर देंगे। जब आप 6 मंथ बाद गाड़ी इंडिया से दुबई लेके आएंगे, वो आपको रिफंड कर देंगे। अब आपको दुबई से इंडिया गाड़ी शिपिंग करना है तो शिपिंग चार्ज कितना जाएगा, देखिए कंपनी डिफरेंट डिफरेंट चार्ज करती हैं, बट मेरे एक फ्रेंड ने वो चार्ज करते हैं 11,700 दिरहम। तो 11,700 दिरहम का आपका शिपिंग चार्ज जाएगा। उसके बाद में आपकी गाड़ी इंडिया पहुंच जाएगी। गाड़ी इंडिया पहुंचने के बाद में कस्टम क्लियरेंस होगा। कस्टम क्लियरेंस में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, कस्टम ऑफिसर्स आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप दुबई में ही रह रहे हैं काफी टाइम से, फिर तो इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप बोल सकते हैं कि मैं इंडिया घूमने के लिए आया हूँ। लेकिन आपको भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि अब तो बहुत लोग इंडिया से दुबई गाड़ी लेके जाते हैं। कस्टम ऑफिसर्स आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद में गाड़ी को भी चेक किया जाएगा, कहीं कुछ आप रखे तो नहीं लाए, वो सब चेक करते हैं कस्टम ऑफिसर्स। उसके बाद में आपकी गाड़ी इंडिया पहुंच गई। आपको रोड टैक्स भी देना होगा, 25,000 रुपीज से लेके 30,000 रुपीज के अराउंड होगा रोड टैक्स, और थोड़े बहुत खर्चे आपके और भी इंडिया में हो जाएंगे। ये जो मैंने टोटल अमाउंट बताया, इसका मैं टोटल खर्चा स्क्रीन पे दे दूंगा। देखिए दुबई में गाड़ी परचेज करने से पहले भी आपका काफी खर्चा हो जाएगा, जैसे कि फ्लाइट, वीजा, होटल, यहाँ पे रिसर्च करना, ये सब चीजें हैं। तो भाई ये पूरा प्रोसेस था, आप कारनेट के थ्रू दुबई से गाड़ी इंडिया ले जा सकते हैं। आपको दुबई में आने से पहले ये रिसर्च करना है कि आपका बजट कितना है। लाइक मैंने डॉज चैलेंजर को बताया, डॉज चैलेंजर यहाँ पर 80,000 दिरहम की मिल जाती है, लेकिन जो और गाड़ी है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली तक मिलती हैं। तो आपको पहले पूरा रिसर्च कर लेना है, डुबीजल पे चेक कर सकते हैं, और भी काफी सारी कार की वेबसाइट्स हैं, वहां पे चेक कर सकते हैं आप यूज्ड कार में आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। मैंने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देखी थी कि दुबई से इंडिया 6 मंथ के लिए कारनेट के थ्रू कैसे गाड़ी ले जा सकते हैं,
लेकिन वो लोग बोलते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स स्कैम कर रहे हैं। भाई स्कैम तो कुछ भी नहीं है इसमें, कारनेट के थ्रू गाड़ी ले जाते हैं, और भाई इसमें कॉस्ट बहुत आती है, खर्चा बहुत होता है। नॉर्मल आदमी तो नहीं ले सकता ना, जिसके पास पैसा है वही ले जा सकता है, और टाइम भी जाता है इसमें। लेकिन क्या है कि जब एक बार इंडिया ले जाते हैं गाड़ी, तो उसमें कॉन्टेंट बन जाता है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप लेके जाएंगे तो आपका पैसा पूरा वसूल हो जाएगा, और जो आपने गाड़ी खरीदी होगी दुबई से, वो आप वापस जब 6 मंथ के बाद लेके आएंगे तो वो सेम रेट में ही सेल हो जाएगी, या फिर 5-10 थाउजेंड धर्म का डिफरेंस आएगा, अदरवाइज वो आप सेम रेट में ही सेल हो जाती है गाड़ी, और जो सिक्योरिटी दी आपने वो भी रिफंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप दुबई से इंडिया गाड़ी इंपोर्ट करने का प्लानिंग कर रहे हो तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद।